सो या व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल ऑल स्काइरो। मैं जानता हूं कि तुम भी अपने WCC3 गेम के अंदर अपने प्लेयर्स के नेम को विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी रखना चाहते हो, पर भाई तुम्हें बाय डिफॉल्ट जो भी नेम मिलता है गेम के द्वारा वो भाई आलतू फालतू भाई नॉर्मल रैंडम लोगों का नेम रहता है। पर तुम अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें दो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके तुम आराम से अपने WCC3 गेम के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह टाइप के बड़े नामों के साथ गेम को खेल पाओगे। सो अगर मैंने चैनल में फर्स्ट आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं हमेशा 100% वर्किंग ट्रिक्स ही लाता हूं। तो चलो मैं जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूं। तो अपने प्लेयर्स को रीनेम करने के लिए तुम्हें ना अपने गेम की मेन इंटरफेस फर्स्ट पेज पर आ जाना। उसके बाद नीचे तुम्हें ना जर्सी नंबर 7 के राइट साइड में एक छोटा सा कार्ड टाइप का दिख रहा होगा, एक आदमी बना हुआ, तो भाई तुम्हें ना वहां पर जाकर क्लिक करना है। यहां से तुम अपने स्क्वाड को मैनेज कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था कि मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि दो ट्रिक बताऊंगा अपने प्लेयर्स को रीनेम करने का। तो देखो, जो पहला ट्रिक है जिसकी मदद से तुम अपने प्लेयर्स को रीनेम कर सकते हो वो ये है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरा प्लेयर नंबर 1 का नेम है रुतु, और अगर मैं चाहूं कि मैं इसका नेम रुतु से चेंज करके रोहित रख दूं, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ना यहां पे रुतु के राइट साइड में एक पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो तुम्हें ना ये पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और तुम जैसे ही पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद तुम्हें ना यहां पे कीबोर्ड खुलकर मिल जाएगा। तुम यहां पे ना आराम से कीबोर्ड के अंदर जो भी प्लेयर का तुम नेम रखना चाहते हो वो तुम रख सकते हो। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने फिलहाल तो अभी रोहित का नेम रख दिया, रोहित शर्मा मैंने अपने रुतु को बना दिया है। और यही ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम ना भाई अपने कोई से भी प्लेयर का नेम इजीली चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि तुम देख सकते हो यहां पे सेकंड नंबर पे मेरे पास राहुल, तो अगर मैं चाहूं कि मैं राहुल को विराट कोहली बना दूं, तो मैं करूंगा क्या, मैंने पेंसिल फिर से क्लिक किया, उसके बाद मैं यहां पे कोहली लिख देता हूं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम ना आराम से अपने कोई भी प्लेयर का नेम को रीनेम कर सकते हो, और नेम के साथ साथ तुम इसका जर्सी नंबर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 भी लिख दिया, और इसके साथ में ये मैनेज स्क्वाड वाले ऑप्शन में तुम ना भाई अपने किसी भी प्लेयर को कैप्टन भी बना सकते हो, साथ में विकेट कीपर भी बना सकते हो। और यहां पे भाई अगर वो बैट्समैन है तब तुम इसे राइट या फिर लेफ्ट हैंडेड भी चेंज कर सकते हो, और अगर वो बॉलर है भाई तब तुम उसका बॉलिंग आर्म भी चेंज कर सकते हो लेफ्ट या फिर राइट। तो फिलहाल मैंने अभी तुम्हें बताया ट्रिक नंबर 1 जिसकी मदद से तुम्हें प्लेयर का नेम को रीनेम कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रिक नंबर 2 क्या है। तो ट्रिक नंबर 2 के लिए तुम्हें ऊपर अपने नेम प्रीसेट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे राइट साइड में, तुम्हें नेम प्रीसेट्स पे क्लिक करना। तो जैसे कि अब तुम देख सकते हो यहाँ पे भाई तुम्हें दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक माई प्रीसेट और एक कंट्री प्रीसेट। तो देखो, जो माई प्रीसेट है ना वो भी तुम्हारे लिए तुम जो मन वो नेम रख सकते हो, और जो कंट्री प्रीसेट है ना वो भाई जनरली रहता है ना, मन जस्ट इमेजिन कि भाई तुमने खेला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, तो भाई अपोनेंट रहेगा तुम्हारा इंडिया और तुम रहोगे भाई ऑस्ट्रेलिया, तब भाई कंट्री प्रीसेट ज्यादातर काम आता है, या फिर भाई तुम्हें कंट्री प्रीसेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो, अब यहाँ पे ट्रिक नंबर 2 है ना वो ये है कि जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें राइट साइड में बहुत सारे प्लेयर्स का नेम देखने को मिल रहा हो, जैसे पुजारा हो गया, बुमराह हो गया, या फिर भाई अय्यर हो गया। तो जस्ट इमेजिन कि तुम्हें यहाँ पे कोई सा भी प्लेयर भाई पसंद आता है, तो जैसे जस्ट इमेजिन कि भाई मुझे पसंद आया यहाँ पर अय्यर, तो मैं अय्यर पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं अपने माई प्रीसेट पे जाऊंगा। माई प्रीसेट पे जाने के बाद जस्ट इमेजिन कि मुझे भाई दुबे से भाई एक्सचेंज करना है, तो मैं ना दुबे पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मुझे कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है बीच में येलो ब्लू कलर का, तो तुम्हें वहाँ पे क्लिक करो। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरे स्क्वाड में भाई आ चुका है अय्यर, और जो दुबे है वो अब मेरी टीम में से हट चुका है। तो ट्रिक नंबर 2 का भी इस्तेमाल करके तुम ना आराम से अपने कोई से भी प्लेयर को रीनेम करके अभी के टाइम के करंट इंडियन प्लेयर्स का नेम एक्सचेंज कर सकते हो। तो बस गाइस, यही थी मेरी प्यारी सी छोटी सी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और तुम्हें अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना, मैं हमेशा ना 100% वर्किंग ट्रिक्स ही लाता हूं। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तुम्हें स्क्रीन पे कुछ वीडियोस दिख रहे हो तो उसे भी टैप कर सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।